हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो देखिए आज मैं अपने न्यू ब्लॉग में क्या करती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 10 और दिव्यांश अभी मंदिर से आया है, तो मैं अभी उसको दिखाती हूँ दिव्यांश को। तो अभी फेस पर राधे राधे लिखवा के आया, अभी दिखाओ राधे राधे लिखवा के लाए हो, दिखाना इधर से। तो मिताली इधर रह गई है बस। राधे कहाँ गए थे राधे राधे लिखवाने? गैया को रोटी खिलाने गए थे, मंदिर गए थे। राधे राधे लिखवा के लाए हो, और क्या लाए हो अपने लिए? आइसक्रीम। तो अभी मैं इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ। तो ये है एक इंजेक्शन, और इसमें कैप्सूल भी है और एक पाउडर वाली दवाई है। इसको मिक्स करके लगाएगा वो डॉक्टर। तो ये इंजेक्शन मेरे सुबह शाम लगेंगे, आज भी सुबह लगेगा और शाम को, और कल सुबह लगेगा और कल शाम को लगेगा। तो दो दिन कंटिन्यू सुबह शाम लगने वाला है ये। तो यहाँ बिना लाइट के बैठे हैं, पंखा भी नहीं चल रहा है, और यहाँ भी इतना से मुझे हवा करनी पड़ रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कल बहुत तेज आंधी चली थी, आंधी इतनी तेज चली थी कि कल से लाइट नहीं आ रही है। पानी तो टंकी में बिल्कुल भी नहीं है, और लाइट यानी कि इन्वर्टर वीक पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। शाम को ही वीक हो गया था, शाम तक तो चला था लेकिन सुबह वीक हो गया, और अभी पंखे से हवा करनी पड़ रही है। और दिव्यांश दूसरे वाले रूम में गेट के पास हो रहा है क्योंकि उधर से साइड से हवा आ रही है ना, तो इस वजह से मैंने वो पल्ली वाले रूम में सुला दिया है। और मैं और साक्षी इधर है, तो साक्षी आइसक्रीम खा रही है। आइसक्रीम मैंने नहीं खाई है, मेरे लिए आइसक्रीम आई थी क्योंकि मेरी खांसी हो रही है, खांसी की वजह से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। तो खा ले, वो लाइट ना रही, लाइट की वजह से पिघल गई है। तो अभी मैं साड़ी दिखा देती हूँ आपको। तो ये दो साड़ी हैं, ये वाली साड़ी मुझे सविता की शादी में मिली है, और ये वाली मिली है पापा जी की दोस्त की लड़की की शादी थी उसमें मिली है। दोनों ही साड़ी सही है, मतलब डेली वेयर्स के हिसाब से सही है। मैं तो नहीं पहन पाऊंगी, जैसे कोई लेने देने में काम आ जाएंगी। देखो, अरे यार दिव्यांश तो सुई लगा रहा है, दीदी के डॉक्टर बन गए। अरे डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना, सुई ना। अरे और करूँ, मम्मा की इंजेक्शन लगा रहे हो। तो दिव्यांश को कहीं से इंजेक्शन मिल गया है, और वो सभी की ठोक रहा है, जैसे कि अभी साक्षी के ठोक रहा है, मेरे ठोक दिया, अम्मा के ठोक दिया, सभी के ठोक रहा है। ताकि उधम हो रहा है लड़के का फुल। देखो अरे लग जाएगी, क्या करते हो, कितना उधम हो रहा है इसका, बहुत ज्यादा दिव्यांश का फुल उधम हो रहा है यहाँ पर। अभी देखो डंडा से पिटाई कर रहा है, किसी की सुई लगा रहा है, तो किसी के कुछ कर रहा है, मतलब फुल मस्ती में लड़का। अब नींद तो आनी रही है दोपहर में क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए बाहर दिखाती हूँ, सासू में ढोलक बजाने लग रही है, मजे हो जाए। दीदी आपको खिला रही है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। दिव्यांश की डॉल कितनी सुंदर है, किसने बनाई है ये? सो जाओ निन्नी आ जा रही है। हाथ हटा लूं? सो जाएगी। तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, लॉलीपॉप? कहाँ वहाँ चल रही होगी हवा, हवा तो यही चल रही है पर कम लग रही है ना। तो दिव्यांश के लिए हम अभी चश्मा लेके आए थे, और अभी कुछ दिन पहले, और देखो बच्चे ने तोड़ दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, ये जुड़ेगा भी नहीं है, बेकार हो गया और लाना पड़ेगा। आज 2 बजे लाइट आई है, लाइट आती कूलर चल गया, और अभी पानी भरना है हमको, पानी भर रही हूँ मैं। और इधर मैं कपड़े भी ले आई हूँ, सारे सूख चुके हैं, तय लगा के अलमारी में रख दूंगी। वो कनू आ करो, ब्लैक, अरे ब्लैक कीड़ा लग गया, सच्ची में लग गया कनू, ब्लैक कीड़ा आ करो आ। अरे देखो कीड़े लग गए दांत में सोनी, आज पूरे दिन टॉफी खाई ना तुमने, येलो लग गया, रेड लग गया, और ब्लैक कीड़ा लग गया, इतने सारे कीड़े लग गए। अब नहीं खाना टॉफी, ठीक है? खाना है तो कीड़े लग जाएंगे दांतों में। तो इधर तूफान और आंधी की वजह से ये जीने का गेट टूट गया है, टूट गया था तो हमने अलग कर दिया है। और दिव्यांश अभी छत पे चला गया है, उसको जो है सासू माँ पकड़ने जा रही है छत पे ऐसे। और अभी आपको एक और चीज दिखा देते हैं, जीने की छजली पे हमने पेड़ रख रखे हैं, दिव्यांश की वजह से नीचे नहीं रख रखे क्योंकि ये कांटे वाले पेड़ हैं इसकी वजह से। और क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर दिव्यांश डंडा गिरा रही हूँ, अरे हाँ नीचे गिरा दिया डंडा धीरे धीरे। तो ये है पड़ोसियों का जामुन का पेड़, यहाँ पर बरसात के मौसम में बहुत जामुन लगते हैं, छत पर से खड़े होकर आराम से पूरे बरसात के मौसम जामुन खाते हैं हम। यहाँ से खराब हो गया है हमारा नल, टूट गया है कनु, बस थोड़ा सा अटक रहा है, ये थोड़ा सा टूट के खुद ही गिर जाएगा किसी दिन। सही हो गए, सही कर रहे हो। तो इधर ये बैठकर खा रही हैं सूजी का हलवा, और इधर भी कुछ पेड़ हैं, तो ये आंधी से नीचे गिर गया था कल। और इधर साइड में टमाटर का पेड़ है और एक मनी प्लांट है। इधर हमने तुलसी लगा रखी है, तुलसी की सुबह से हम पूजा करते हैं। इधर गुलाब का पेड़ लगा रखा है, और पूरा घर गार्डन बना रखा है हमने,
और इधर ये दो पेड़ खजूर के लगा दिए हैं, और इधर एलोवेरा भी लगा रखा है, सेम एलोवेरा जैसा पेड़ होता है वो भी लगा रखा है, बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। और इधर शाम को दीदी जो है पेड़ों में पानी दे रही हैं। तो अभी शाम हो गई है और आंधी का मौसम इतना तेज हो रहा है कि बस बता नहीं सकती, कल भी इतनी तेज आंधी आई थी कि कल से आज लाइट आई और फिर आंधी का मौसम हो गया। तो मैं वॉशरूम का गेट लगा रही हूँ क्योंकि आंधी की वजह से लाइट आई, तो दोनों ही वॉशरूम के गेट मैं लगा देती हूँ। और इधर भट्टे को भी मैं कवर करके रख देती हूँ ताकि बरसात भी आए आंधी के साथ तो हमारा भट्टा भीगे ना, क्योंकि इसमें सुबह भैंसों के लिए दलिया बनाया जाता है। इस छतरी से कवर कर देती हूँ मैं इसको, और उपले मैंने इधर रख दिए हैं, इधर रख दिए उपले क्योंकि इनसे सुबह दलिया बनाया जाएगा तो ये भी नहीं भीगेंगे। और इधर मैंने वॉशरूम के गेट भी लगा दिए हैं, अगर धूल चली गई तो किसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भैंस वगैरह खा नहीं पाएंगी इसको, बहुत तेज आंधी का मौसम हो रहा है तो ये भी मैंने चारा कवर कर दिया है। पीछे के जो छोटे मोटे काम थे मैं उनको अभी फिनिश करके आई हूँ। और अब दिव्यांश को कोई ना कोई चाहिए होता है खिलाने के लिए, खेलने के लिए, तो अभी दिव्यांश क्या नाम है तुम्हारा, आशी, आशी को लेके आया है अभी खिलाने के लिए। तो अभी आंधी का भी मौसम हो रहा है और बरसात का भी मौसम हो रहा है, लेकिन आंधी तो नहीं आई है, अभी बरसात हो रही है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, हल्की सी हल्की बरसात हो रही है। भीगो मत बारिश में इधर आओ, बढ़िया बात है, इतना। और अभी बिल्कुल शाम हो गई है, अब तो खाना पीना बनाने का, खाने का टाइम हो गया है। तो फाइनल फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।